मैक्रोनी बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन में आधा लीटर पानी गर्म कर लिया है। फिर हमने उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और तेल। तेल और नमक मिक्स करने के बाद उसमें हम ऐड कर लेंगे मैक्रोनी, जो कि आप किसी भी शेप की डाल सकते हैं। और मैक्रोनी को तब तक मीडियम फ्लेम पे उबाल लेंगे जब तक वो पक ना जाए। मैक्रोनी को उबालने के बाद उसको तुरंत छान लेंगे एक स्ट्रेनर में, ताकि वो ओवरकुक ना हो। फिर मैक्रोनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और तब तक वेजिटेबल्स काट लेंगे। वेजिटेबल्स में हम यूज़ कर रहे हैं गार्लिक, अनियन, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, मशरूम और टमाटोज, जिनसे हम बनाएंगे टमाटो प्यूरे। और सबको हम बारीक बारीक छोटा छोटा काट लेंगे। फ्रेश टमाटो प्यूरी बनाने के लिए हम ले रहे हैं 6 टमाटोज। उनको काट कर हम उन्हें माइक्रोवेव में गर्म होने के लिए रख देंगे लगभग 8 मिनट के लिए। और 8 मिनट के बाद जब टमाटोज अच्छे से गर्म हो जाएंगे, तो उनको माइक्रोवेव से निकाल कर ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद गैस ऑन करके एक पैन गरम करेंगे, और पैन गरम होने के बाद इसमें हम तेल डाल लेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने दें और उसके बाद उसमें डालें गार्लिक और अनियन, और भून लें जब तक कि अनियन ब्राउन ना हो जाए। अनियन के बाद हम इसमें डाल रहे हैं कॉर्न, साथ ही साथ वो सारी सब्जियां डाल लें जो पहले से काट के रख ली थी। सब्जियों को डालने के बाद अच्छे से मिला लें और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। और आप चाहें तो पैन को कवर कर लें या ऐसे ही छोड़ दें। सब्जियां पकने के बाद पैन में टमाटो प्यूरी डाल लें और अच्छे से मिला लें। और 1 चम्मच नमक डाल लें ताकि टमाटो प्यूरी जल्दी पक जाए। नमक डालने के बाद मिला लें अच्छे से। उसके बाद हमने डाले चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने जो मैक्रोनी उबाल के रखी है वो ऐड कर लेंगे और लो फ्लेम पे मिला लेंगे उसको। ध्यान रखिए ज़्यादा ना मिला लें, ज़्यादा मिलाने से मैक्रोनी टूट भी सकती है। और लास्ट में मिला लेंगे चीज़ ग्रेट करके, और इसी के साथ मैक्रोनी हो जाएगी तैयार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।